सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के जय ओम श्री गणेशाय नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कौशाम्बा शरीके देवी नारायणी नमस्ते
त्रिशूल चंद्र महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरूपचंद्रिते महाशक्ति धरेणे कौमारी रूप संताने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदाचारंगीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते ग्रीतोग्रमाचक्रे दशोधिवसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपे नोग्रेण हन्तुं दैत्यान्कृतोद्यमे त्रैलोक्यताणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिणी महावज्रे सहस्रनयनाञ्जले मित्रप्राणहरे चेद्रे नारायणी नमस्तुते शिवदूति स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दृष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे द्रुमे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभाप्रभृतामसि नियरे त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्र अशेषासुरसूदन त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रकाले नमस्तुते इनस्त्रिदत्ततेजांसि स्वरेणापूरिराजगत् सागण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानिव असुरासृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वल शुवाय गर्गो भवतु चण्डिके त्वां नता भयम् रोगाय शेषाणपहंसि दुष्टा हृष्टातु कामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैरबहुधात्वमूर्ते कृत्वा मृगेतत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च कात्वधन्या ममात्वकरतेति महान्धकारे बिभ्रामयज्ञे तदतीव विश्वम् रक्षाञ्जयत्रोर्गविशाशनाग यत्रारयोदसुवराणि यत्र दावानलोजत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकादारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशया ये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यं यथा दुर्वदा ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्वयाशु उत्पादपाकजनिता
प्रसर्गान् प्रणदानां प्रभेदा त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामे लोकानां भरदा भव देव्यो वाच वरदाहं दुर्गणा वरं जनमनरे च तं विरुद्धं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्वयान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्य उत्पत्स्येते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशरिक्षामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरत्यधिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीयानिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् वक्ष्यन्त्या च दानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाणिमे कुसुमोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मृत्यलोके च मानवा सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सदृहं रक्तसन्दिगां भूय च जलवाशक्या मना भृष्टा मनं वसि मुनिमे संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिया तदा शेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मने कीर्तयिष्यन्ति मनुजः चदाचिमिति मां ततः तदोऽहमखिलं लोकम् आतं देह समद्भवे हरिष्यामि सुराजाके आवृष्टे प्राणधारके शाकणं हरिति विख्यातं तदा यस्यामयं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्य महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं जरा भीमं रूपं दित्वा हिमाचले रज्जान्ते वक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् सदा मामन्या सर्वे सौषन्ध्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जरारणाक्षत्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा धनञ्जयप्रदं त्रैलोकस्य हितार्थाय भविष्यामि महासुरं ब्राह्मरीते च महालोका तदा तोषन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधा दानभूता भविष्यति तदा तदा वीर्याहं करिष्यामि इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युत्तम समं ब्रह्म जगपदे स्कन्दस्थितामेषणां कन्यागरवालजेठविलसत् हस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाधिजेठविशिकां शापं गुणं तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां जजिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ दिव्योवाच देवी
तस्याहं सकलां वादां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतावद्वदं जुम्भनिजुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा शोचन्ति चैव देवत्या मम महात्मोत्तमम् नाद्येषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोता न चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेशविजोजनं शत्रुतोभयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शत्राणतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मेतन्मासं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थजनमिदत् उपसर्गान् शेषास्तु महामारे समुद्भवान् तथा त्रयोत्पादमाहात्म्यं शमये नमः यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने नमः सदानादद्विमोक्षामि सा नित्यं तत्र मे सुतं परिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वमये प्रचलितम् उच्चारं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रदेशिष्यामहं प्रीत्या भानि होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते च वार्षिके तस्या ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्विता सर्वाबाधा विनिर्मुक्ता धनधान्यसुतान्विता मृजो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्या शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः भवान् ऋभवः सङ्ग्रहं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं भूता माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गरापीरासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुया नमः उपसर्गः श्रमं जान्ति गृहपीराज दारुणः दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं सुस्वप्न उपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां चान्तिकारकं सङ्गादभेदे शनीनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षोभूतविजाचारां वटनादेवनाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपे च गन्धदीपे सतोत्तमे विप्राणामोजने होमे प्रोक्षणीये हर्निजम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदानेर्वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् स्वर्गेषु चरते युते शुरं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्य जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदेत्या निवर्हणं कस्मै सुदैवैरिकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभितुर्यो याच याच ब्रह्म स्वीकृता ब्रह्मणा च कृदातो प्रयच्छन्देश वामदे अरण्ये प्रान्तरे वापि दावानि परिवारितः दशभिर्वाविदाशुने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याख्यानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन राज्ञप्तो वद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वातेन सिता भूते महार्णवे परतु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाव्यार्जितोऽपि वा समरमेताचरितं नरोचेत सङ्गतात् मम प्रभावासिङ्गाद्यादस्य भो वेदन सदा दूरादेव पलायन्ते समस्तचरितं मम ऋषुर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत
देवी देवान रातंगा स्वाधिकारान दापुरा यज्ञ भाग भुजा सर्वे चक्रुर्विनीतार्या दैत्याच दिव्यानेते चुम्बे देवरि भोजनी जगद्विध्वंसनी तस्मे महाग्रेसुर्विक्रमे निशुम्बे च महावीर्ये शेषा पातालमाजुः एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् चैतन्मोयते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते साधापिता च विज्ञानं दुष्टादित्यं प्रयच्छति व्याप्तं चैत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारि स्वरूपया सेवकाले महामारि सेवशिष्टे भवतया स्थिरं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धि सदाग्रहे सेवा भावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा शम्भुरिवा पुष्पे धूपगन्धादिवस्तदा ददाति वित्तं पुत्रं च पतिं धर्मे गते शुभम् ॐ अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवोवाच शिवो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीलाभः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् नालोकं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वर्चनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अभिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं बृहद्येन स्वयोनिरुह पार्वती मारणं मोहनं वश्यं सम्मनोचाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं झं घट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमः केकवहारिणे नमस्ते महिषार्दने नमस्ते जुम्भहन्त्रे च निजुम्भादुर्गातने जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं करोष्व एकारि दृष्टिरूपाय एकारि प्रतिपालिका क्रीकारि कामरूपिणे बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारि वदायणि विच्चेतापयता नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां ध्रीं धूं ध्वजे वदने वां भीं भूमागधीश्वरि क्रां क्रीं क्रों कालिका देवी स्वां श्रीं श्रूं मे शुभं गुरु हुं 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 कालरूपिणि जं 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 वनादने राम ह्रीं ह्रूं कैरवीभद्रे भवान्येते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं छं भीं दुं ऐं भीं हं छं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां प्रीं पूं पार्वती पूर्णा खां ह्रीं ह्रूं केचरी तदा सांसिक्रों सप्तशती देव्या मन्त्रदृष्टे कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृतिहेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्षपार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् नाथस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित
मारकंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपदुद्धारा सुगम नमस्ते शरण्य दिव्यसानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्वपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे नमस्ते जगत्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे अनाथ जदीन Oh,
Namaste.
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जीदा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो वर्ष में पूर्ण होती है वर्ण भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्रचित्ति हो, ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, मुझको जो जिस प्रकार भजता है उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात जैसी जैसी मनोकामना भक्त ज्ञान माता जी के दरबार में लेकर आते हैं वे सभी पूर्ण होती हैं, जबकि भक्त की भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्रचित्ति हो। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, मुझको जो जिस प्रकार भजता है, और अनन्याश्च चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्।
जो भक्तजन अनन्य भाव से अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं उनका योग केम भी मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण जी गीता में उपदेश दे रहे हैं, स्वयं माता जी ने भी इन्हीं पद में स्तोत्रों में जिनका आपने श्रवण किया पाठ किया अपने महत्व को प्रकट करते हुए कहा हुआ है। उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा तिहुद मत्पाद महात्म स्वामीन्वन। माता जी कह रही हैं कि मेरा महात्म महामारी जन समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्ते पठ्य दे सम्यंग नित्यमाय अतने मम सदाना तद्य मोक्षामी सानिध्यम तत्र में स्थितम। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्व मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती अर्थात वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलि प्रदाने पूजा या मग्नि कार्य महोत्सव सर्वमे तत्चरितम उच्चार्यम शाब्दमे च। बलिदान पूजा होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर जानता जानता वापी बलि पूजाम तथा कृताम प्रतीक्षा में हम पीता वर्णि होम तथा कृतम। मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। विशेष रूप से माता कह रही है कि शरद काले महापूजा कृते जाच वार्षिकी तस्यान ममेतन महात्म श्रुत्वा भक्ति समन्विता सर्वाबाधार विडर मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्व सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धन एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तने भी संदेह नहीं है। इसलिए विशेष करके भक्तों को माता जी के इस अध्याय का पाठ अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। सचिया ज्योता बाली माता तेरी सदा ही जय कारा शेरा बाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में युग युग में जब भी हम भक्तों पर कोई कष्ट आन पड़ा है अथवा हमारी कोई मनोकामना पूर्ण रही है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने हमारी सहायता नहीं की है तो अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है तथा माता जी ने हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के हमारी सभी कष्टों को दूर किया है, सभी मनोकामना को पूर्ण किया है। प्राचीन काल में हय वंश में उत्पन्न कार्तवीर के एक नाम के राजा थे जो भगवान विष्णु के स्वरूप दत्तात्रेय जी के शिष्य थे और वे दान देने में अति रुचि रखते थे, धर्मपरायण थे। अतः उन्होंने अपनी विपुल संपत्ति अपने कुल पुरोहितों विभुवंशी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी जिसको प्राप्त करके ब्राह्मण धनी हो गए थे। कुछ समय के पश्चात राजा के स्वर्ग से धारने पर उन क्षत्रियों को धन की आवश्यकता हुई और वे जानते थे कि हमारे राजा द्वारा पुरोहितों के पास दिया हुआ धन है, इसलिए हमको उनसे धन की याचना करनी चाहिए। उन्होंने अपने पुरोहितों से धन की याचना की परंतु पुरोहित ने कहा कि हमारे पास नहीं है नहीं है, और वह अपने धन को पृथ्वी में गाड़ करके उनसे भयभीत हुए जो वनों में चले गए। तब क्षत्रियों ने उनके घर में आकर के पृथ्वी को खोदा और जो उनका धन था वो सारा ले लिया, जिससे सभी जो ब्राह्मण थे वो क्षत्रियों के शरणागत हो गए। परंतु क्षत्रिय उन पर क्रोध करते रहे और वो वानों द्वारा ब्राह्मणों का वध करने लगे। जानता कि जो गर्भस्थ शिशु थे माताओं के गर्भ में उनका भी वध करने लगे। वे बेचारी स्त्रियां जिनके गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे वो कुरली पक्षी की भांति विलाप करती थी। मुनियों ने उनको समझाया कि इस प्रकार का घोर पाप करना आप छोड़ दो क्योंकि घोर पाप का एवं विशेष पुण्य का जो फल है मनुष्य को इसी जन्म में मिल जाता है। परंतु क्षत्रिय ने कहा कि इन ब्राह्मणों ने हमारे राजा का धन इस प्रकार लूट लिया जैसे एक लुटेरा रास्ते में किसी पथे का धन लूट लेता है। हमने चतुर्थांश वृद्धि पर भी इनसे धन मांगा परंतु इन्होंने नहीं दिया, ना ही इन्होंने कोई दान किया क्योंकि धन की तीन गति होती है, जो ना दान करता है ना इसका भोग करता है उसका धन नाश हो जाता है, इसलिए इन्होंने कोई विशेष दान भी नहीं किया। इस प्रकार वो पुनः ब्राह्मणों पर वानों द्वारा प्रहार करके उनका वध करने लगी। लोभ मनुष्य के रहने वाला मनुष्य शरीर में रहने वाला ये भयंकर शत्रु है, ये काम क्रोध मोह से बढ़कर है। लोभ में आकर के मनुष्य अपने भाई बहन माता पिता तक की हत्या कर देता है, इसलिए वो पुनः उन स्त्रियों का जो गर्भ थे उनका नष्ट करने लगे। वो घबराई हुई स्त्रियां हिमालय पर बढ़ गई और वहां पर उन्होंने जो नदी के किनारे माता जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और वो निराहार रहते हुए मरण व्रत उन्होंने उसका संकल्प कर लिया।
तब माता जी ने एक दिन स्वप्न में उनको कहा कि आप में से एक चतुर स्त्री अपनी जंघा में गर्भ धारण करेगी और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ वे बालक आपकी रक्षा करेगा। उनमें से एक चतुर स्त्री ने जंघा में गर्भ धारण किया और जब वो गर्भ के तेज से भागी जा रही थी तो क्षत्रिय तलवार लेके उसके पीछे लगे, उसको मारने का उद्योग करने लगे। तब वे घबराई हुई दयनीय दशा वाली एक गरुणी हिरणी के समान जिसके पीछे जो सिंह लगा है, ऐसी उस घबराई माता की दशा देख करके वो जंघा में जो गर्भस्थ बालक था वो दूसरे सूरज की भांति उन क्षत्रियों के आंखों के तेज का हरण करते हुए प्रकट हुआ, जिसको देख करके क्षत्रिय चक्षुहीन हो गए, उनकी नेत्र ज्योति जाती रही। तब वो मन में विचार करने लगे कि निश्चित रूप से ये इस पति तथा स्त्री का श्राप है जिससे हम जो चक्षुहीन हो गए हैं। उन्होंने उस स्त्री से प्रार्थना की कि देवी हमारी नेत्र ज्योति प्रदान कर दो, हम आपके सेवक बन जाएंगे, हम कभी भी आप पर कोई अपराध नहीं करेंगे। परंतु उस स्त्री ने कहा कि मैं आपको वास्तविक बात बताती हूँ, मैं आप पर कुपित नहीं हूँ। वास्तविक बात यह है कि मैंने इस जंगा में जो अपना घर 100 साल धारण कर रखा, ये बालक आप पर कुपित है। जब आप इनके पितरों का वध कर रहे थे तो मैंने इसको जंगा में धारण किया था। इसने 6 अंगों से वेदों का जो अध्ययन कर लिया है और जो माता की कृपा से हुआ है, यदि आप नेत्र ज्योति चाहते हैं इसी बालक की शरण में जाओ और ये आपको नेत्र ज्योति प्रदान करेगा। तब सभी क्षत्रिय उस बालक की शरण में गए और बालक ने कहा कि मेरी का ऐसा ही विधान था, अभी सभी क्षत्रिय जो अपने घर में शांत चित से रहो और सभी जो ब्राह्मण हैं वो भी शांत चित से रहे, उनको नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई और वह ब्राह्मणी उस बालक का पालन करने लगी। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि अनेक कथाओं द्वारा व्यास जी ने हमको समझाया है कि जब भी हम पर कोई आपत्ति काल आन पड़ा है तो हमने अंत में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब ये सभी शक्तियों से संपन्न होकर के दुर्गा माता की आराधना करते हैं, हम भक्तों क्यों नहीं करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए। विशेष रूप से इस कली काल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है, कलो ही चंडी विनायको, शास्त्रकारों ने पूर्व वर्णित कर दिया है कि कली काल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति का प्रताप होगा। जिस प्रकार आप देखे हैं सत्य युग में भगवान विष्णु, त्रेता में राम जी और द्वापर में कृष्ण की आराधना की, इसी प्रकार जो भक्तगण कली काल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति आराधना करें उनकी मनोकामनाएं विशेष रूप से पूर्ण होगी। तभी आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में गणेश चतुर्थी के दिवस पर गणपति महाराज जी करोड़ों की मूर्तियां बना करके आभूषणों से अलंकृत करके समुद्र में प्रवाही जाती हैं और जहाँ हमारे उत्तर भारत में जम्मू के डुग्गर प्रदेश में ये तीनों महाशक्तियाँ आदिकाल से संपूर्ण विश्वभर में इस दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। ये तीनों महाशक्तियां जल मूल से एक हैं, ऊपर के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं। पूर्व काल में भक्तगण इसी प्राकृतिक मार्ग के द्वारा जाकर के पूर्ण पिंडी महारानी के दर्शन करके जिस प्रकार जल परिक्रमा कर रहा है, ऐसे ही परिक्रमा करते इसी मार्ग द्वारा बाहर जा करते थे। परंतु कालांतर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देख करके अन्य मार्ग बनाए गए और माता जी ने अपने पूर्ण शरीर को सोने व चांदी के पत्ते से जड़ लिया, अर्थात कली काल में केवल दिव्य पिंडियों के रूप में ही शीर्ष रूप में दर्शन देना स्वीकार किया। इन्हीं तीनों महाशक्तियों के बाएं तरफ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार आप चतुर्भुज रूप में देखते हैं माता जी का एक हाथ सदैव आशीर्वाद के तट पर रहता है, इसी प्रकार जहाँ पर माता जी का वरद हस्त विराजमान है और सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान, इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं यं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश विदेश में सिद्धि मान प्राप्त होता है और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुओं तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवि ते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवि ते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा
चामुंडा देवी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय कर शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरे सदा जय कर शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता के भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिन्द्र जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिन्द्र। जय करा शिरोमणि का बोल सच्चे दरबार की जय। मैं भूल न पाऊंगा मैं भूल न पाऊंगा तेरे दर की यादें सुनाऊंगा तेरे दर की यादें। मैं सब कुछ
दर की आते मैं भूल न पाऊंगा तेरी दर्जी आने। ओ मैं
दर की यादें दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा शरण बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से सूरज और चांद करता। तेरी कृपा से ही सारा जग काम करता, तेरी शक्ति से ही सूरज और चांद चढ़ता।
दरबार की जय। एक भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा श्री वाली जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो रही जय जयकार माता दर्शन देखवा जोत जगदी तेरा भोग लगदा तेरी हो सुआ चोला मैया अंग विराजे केस
वरधाम निकेत मनीषम बपुरास्यामि
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज विशेषतया नवमी के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन की ही माता की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रावसवः समिन्ददान पुनर्ब्रह्मानं वसुदीथयते निदेन त्वं तन्नो वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामान् मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्सम्बत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों, आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सांचे दरबार की। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरैया जय मैया जय मैया जय आनंद करणी तुमको निश दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्म I'm
परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो रहि यशो देहि दिशो रहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता जी को वंदना दुखिए आज जगत शारदा करो हमेश
कल्याण मैया के पहर चौसठ घड़ी जो चरना दा ध्यान जय तुमेव माता तुमेव तुमेव वंदो तदा
उत्तम माँ घर वाली माता तेरी सदा लुक्रा बिल ठाकुर तेरी सदा भगत सच्चे दरबार की जय धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का विनाश हो विश्व का विनाश हो विश्व का विनाश हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो हर महादेव श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय गुरु सच्चे दरबार की जय गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय गुरु सच्चे दरबार की जय जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सबकी मनोकामना पूरी हो जयकारा शेरावाजी का बोल।